हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिमेडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मार्वल फेज 4 की एक और अपकमिंग मूवी स्पाइडरमैन 3 के बारे में। तो आप सभी जानते हो सोनी के पास जो राइट्स हैं वो है रिलीजिंग डेट के और प्रमोशन के, और जो मेकिंग के राइट्स हैं वो है एमसीयू के पास। तो सोनी कंपनी ने सैंडिएगो कॉमिक कॉन में एक स्टेटमेंट दिया था, एक अपडेट दिया था कि अगर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 1 बिलियन क्रॉस कर लेती है तो वो आने वाली फ्यूचर मार्वल फेज 4 की मूवी होगी और हम रिलीज करेंगे उसे 2021 में। अगर 1 बिलियन क्रॉस नहीं कर पाती है तो वो सोनी बनाएगा, जैसा कि स्टेटमेंट दिया था। और ये पोस्ट मैंने अपने ट्विटर अकाउंट फेसबुक पे भी डाला था, पर वीडियो में नहीं बता पाया। मौका आज मिला तो इसलिए मैंने वो वीडियो बना दी। और हुआ क्या, फाइनली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने ऑल टाइम सबसे टॉप पे रही और उन्होंने 1 बिलियन क्रॉस कर लिए, और जल्दी ही ये बॉक्स ऑफिस मोजो पे अपडेट हो जाएगा। अब आप कहोगे कि मार्वल फेज 4 में तो स्पाइडरमैन के लिए कोई जगह नहीं बची है। एक्चुअल में मार्वल को ये पता था एमसीयू को, तो इसलिए उन्होंने 2021 में जुलाई के महीने में स्पाइडरमैन के लिए जगह छोड़ दी। और फाइनली अब स्पाइडरमैन फेज 4 में है, जो कि रिलीज होगी जुलाई के महीने में 2021 में। तो गाइस, इंतजार करिए स्पाइडरमैन 3 का। और देन मैंने जो पोस्ट करा था, शायद आपने ध्यान भी नहीं दिया, करीब 115 लाइक आए हैं उस पोस्ट पर, जिसमें कि मैंने साफ के लिए लिखा है कि सोनी कंपनी डिसाइडेड मार्वल स्पाइडरमैन 3 रिलीज फेज 4। और फाइनली जब हो चुका है ये सब, तो अब फ्यूचर में शायद हमें वेनम या डेडपूल एक साथ देखने को मिल सकते हैं, एक क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है बहुत ही अच्छी तरीके से। और सबसे ज़्यादा मैं उम्मीद कर रहा हूँ डेडपूल की और वेनम की, क्योंकि ये मेरे कैरेक्टर फेवरेट हैं। और स्पाइडरमैन 3 में हमें और ज़्यादा सस्पेंस दिखने वाला है, जैसा कि हमने पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा। तो देखते हैं कि इन फ्यूचर स्पाइडरमैन का कैसा होता है, क्योंकि 1 बिलियन भी कंप्लीट कर लिए हैं और ये फेज 4 2021 में रिलीज होगी। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो मंदिर इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उसे स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।